तो यार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं गैस स्टेशन सिम्युलेटर। तो गाइस पिछली लाइव स्ट्रीम में आपने देखा था कि हमने अपने गैस स्टेशन को अपग्रेड करा था, अपनी जो वर्कशॉप है हमने उसको भी अपग्रेड करा था और साथ ही साथ हमने अपने पूरे गैस स्टेशन को डेकोरेट करा था। लेकिन गाइस देखो अभी यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कि अपना ना यहाँ पे एक करंट टास्क है जो कि है अपने को यहाँ पे $5,000 इकट्ठे करने हैं। अब देखो जिसमें से मैंने $4,277 तो इकट्ठे कर लिए हैं, बट यहाँ पे मेरे को अभी कितने $723 और इकट्ठे करने हैं। लेकिन अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ और कि यहाँ पे जो अपना पॉपुलैरिटी लेवल है वो भी यहाँ पे मेरा 7 लेवल का हो चुका है और यहाँ पे जो 14% ही ना ये फिल भी हो चुका है। लेकिन देखो अभी अपने को थोड़ा सा पैसा और इकट्ठा करना है, उसके बाद अपने जो अंकल है उनको जाके कॉल करना है। अब देखो भाई साहब यहाँ पे तो पूरी की पूरी लाइन लग रखी है, देख रहे हो यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी है। तो सबसे पहले अपने जितने भी कस्टमर्स हैं इन सबको यहाँ पे इनका जितना भी सामान है वो सारा का सारा मैं देता हूँ। अब वैसे देखो ना मैंने काफ़ी देर से जो अपना गैस स्टेशन है वो यहाँ पे बंद करके रखा था क्योंकि यार कस्टमर्स आए जा रहे थे और मेरे पास सामान भी नहीं था। अब देखो सामान मैंने इसलिए लिया नहीं था ताकि मैं जल्दी जल्दी पैसे इकट्ठा कर लूँ, बट देखो यहाँ पे जब सामान होगा नहीं तो पैसे कैसे इकट्ठा होगा। तो मैंने काफ़ी सारा जो पैसा है वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स को खरीदने में लगा दिया था जिसकी वजह से, और यहाँ पे वैसे ना मेरे पास $6,000 हो गए थे। लेकिन फिर वही बात आ गई ना कि मेरे पास और ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो नहीं रहते, तो इसलिए मुझे काफ़ी सारा जो सामान है वो यहाँ पे ख़रीदना पड़ा था। तो ठीक है अभी कोई बात नहीं, अभी जो $5,000 है वो अभी अपने पास आराम से हो जाएंगे, बस अपने को $700 और चाहिए। अब यहाँ पे एक कार को मैं अगर रिपेयर करता हूँ ना जाके तो उससे मेरे को $200-$300 आराम से मिल जाएगा। तो आराम से अपने अंकल को, और भाई कहीं ये तो नहीं है हमें ये सारे के सारे पैसे अंकल को देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में ना हमने $5,000 का लोन लिया था लेकिन उस समय हम उसको पे नहीं कर पाए थे क्योंकि उस समय अपने पास पैसे थे नहीं। और उस समय भाई अपनी पिटाई हुई थी, आपको याद होगा कि एक बंदा आया था जिसने अपनी पिटाई करी थी। लेकिन देखो अभी मुझे लग रहा है कि क्या पता कि जितने भी पैसे हैं ना मुझे सारे के सारे जो अंकल है उसको देने पड़े। भाई साहब ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा भाई, लेकिन चलो उस बंदे का भी लोन ही है तो हमें पे तो करना पड़ेगा, बट कोई नहीं अभी एक काम करते हैं। और यहाँ पे एक कस्टमर भी आ रखा है, पहले इसको भी यहाँ पे मैं इसको फ्यूल दूँ, ठीक है फटाफट। और फ्यूल तो पड़ा है ना अभी थोड़ा सा अपने पास पड़ा है। एक तो देखो जब भी यहाँ पे सैंड स्टॉर्म आता है ना भाई यहाँ पे सैंड की पाइस इकट्ठी हो जाती है जिसकी वजह से जो कार है ना यहाँ पे अटक जाती है, झाड़ू मार मार के हटाना पड़ता है इनको। भाई निकलो यार जल्दी निकलो यहाँ से चलो। और यहाँ पे गैराज में तू क्या कर रहा है भाई, तू भी निकल जा, तेरी वजह से मेरा अगला कस्टमर भी नहीं आएगा, टकले निकल जा भाई। चलो ठीक है यहाँ पे ये भी जा चुका है, ठीक है एक कस्टमर और आ चुका है। अभी थोड़े से पैसे मुझे और चाहिए, बट कोई नहीं यहाँ पे आराम से हो जाएंगे। हाँ चोरी करनी तो हम भूल गए भाई, यहाँ पे चोरी भी तो करनी है अपने को। भाई साहब सिर्फ यहाँ पे कितना 40 या फिर 50 लीटर अपने पास पेट्रोल बचा है, बट कोई नहीं देखो अभी यहाँ पे ना मैं इसको खोल ले यार, ये तो नैनो है ना तो नैनो को नहीं खोल सकते हम। अब देखो यहाँ पे मैं वर्कर्स को भी हायर नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है उनको पैसे देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जब तक यहाँ पे अपना ये वाला टास्क यहाँ पे कंप्लीट होता नहीं है तब तक यहाँ पे मैं उनको हायर ना करूँ। अबे सीधा हो जाए भाई, सीधा 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 हो, ठीक है चलो निकलो यहाँ से। यार मैं सोच रहा हूँ इन सैंड पॉल्स को ना हटा दूँ, बस इसमें ना थोड़ा सा अपना टाइम लगता है। तो ठीक है यहाँ पे देखो एक कस्टमर और आ चुके हैं अपने गैराज में, तो अभी फटाफट मैं यहाँ पे इसकी कार को रिपेयर करता हूँ। तो जल्दी से इसकी कार को यहाँ पे रिपेयर करा जाए, ओके ठीक है। क्या क्या रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पे एक मिरर हमें मिरर, चलो शुक्र है भाई एक मिरर पड़ा भाई साहब। मुझे लगा था अभी मिरर मुझे यहाँ पे ऑर्डर करना पड़ेगा, बट यहाँ पे एक मिरर अपने पास पड़ा है, ठीक है यहाँ पे ये हो गया। और क्या करना है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस है तो मुझे इनको रिमूव करना है स्क्रैच। ओ भाई यहाँ पे इसके भी दो पीस पड़ा है यार, मैंने ना काफ़ी टाइम से जो कार के पार्ट्स हैं उनको ऑर्डर नहीं किया यार, ये ना थोड़े से महंगे होते हैं तो इसलिए मैंने इनको ऑर्डर नहीं किया था। तो ठीक है अभी फटाफट इसको भी करते हैं, हो गया। अभी अब क्या करना है ये एक मिनट, अच्छा बैटरी चेंज करनी है, बैटरी तो मेरे पास पड़ी नहीं भाई, शिट 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 मेरे पास बैटरी नहीं पड़ी यार। देखो यहाँ पे इस कस्टमर को हम जाने भी दे नहीं सकते, अबे यार यहाँ पे पूरा का पूरा जो ट्रैश है फुल हो चुका है। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ना वर्कर को हायर करके मैं बोलता हूँ उसको ना कबाड़ साफ़ कर पाए यहाँ पे, ये ना मैं बार बार करना भूल जाता हूँ। तो ठीक है यहाँ पे इसको साफ़ करो, ये फटाफट चल के पहले जो बैटरी है यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे ऑर्डर करवाता हूँ कार पार्ट्स। ये गई अपनी बैटरी कितने की, वो 50 की पड़ रही थी, ठीक है सो सस्ती पड़ रही है। एक काम करता हूँ यहाँ पे 5 मंगा लूँ, बट थोड़े से पैसे अपने चले जाएंगे। चलो कोई नहीं यहाँ पे इतने पैसे तो मुझे वापस मिल ही जाएंगे। तो ठीक है अभी फटाफट जो अपनी ये वाली कार है इसको भी यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे मैं पेट्रोल भरता हूँ, ओके यहाँ पे ये भी हो चुका है। तो अभी फटाफट जितने भी कस्टमर्स है पहले इनको मुझे करना पड़ेगा यार, थोड़े से पैसे मेरे और कम हो गए। चलो कोई नहीं वो कार को रिपेयर करके ना मुझे उतने पैसे वापस मिल जाएंगे यार आराम से, क्योंकि हमने क्या कहते हैं उसका 2 दिन काम करा तो उससे कम से कम $250-$300 तो आराम से मिलने चाहिए। तो अभी एक काम करते हैं जो कूड़ा कचरा है सारा का सारा मैं बाहर फेंकूँ, अभी कचरा तो बहुत कम है तो मुझे यहाँ पे जो गार्बेज वाला उसको बुलाने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। तो ठीक है यहाँ पे एक कस्टमर और है, यहाँ पे कितना 31 लीटर पड़ा है, ऐसे इतने में हो जाए। चलो यहाँ पे हो जाएगा इसका, लो भाई निकलो।
तो ठीक है, देखो अभी ना यहाँ पे जो गैस स्टेशन है उसका भी कलर मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन देखो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत जो यहाँ का पेंट है भाई, मतलब ये यहाँ पे उतर रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूँ। अब देखो यहाँ पे ना अपना लेवल बढ़ चुका है, इसलिए मेरे जितने भी कलर्स थे वो यहाँ पे सारे के सारे ये अनलॉक हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम जितने भी कलर्स हैं उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला कलर ना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि ये ना ब्राइट सा है, ग्रीन सा है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चमकता है, देखने में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको चूज़ करा। तो फटाफट यहाँ मैं जल्दी से यहाँ पे इसको कंप्लीट करता हूँ। ओके ओके हो जाए, चलो यहाँ पे ये भी होगा भाई। अभी तो पूरी की पूरी दीवार पड़ी है यार, ये तो पूरी इधर की मुझे वॉल यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ पे कस्टमर अपना गैराज में वेट कर रहा है, यहाँ पे तीन कस्टमर भाई रजिस्टर पे भी है यार, उनको भी देखना पड़ेगा। रुको पहले इस साइड की वॉल में यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद चल के मैं उसको देखता हूँ। ठीक है, अभी अपने को ना कितने 765 डॉलर और इकट्ठे करने हैं, उसके बाद अपने पास 5000 डॉलर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे ये वाली लास्ट वॉल है, तो मैं जल्दी से इसको भी यहाँ पे करता हूँ पेंट। ठीक है, उसके बाद चल के जो अपने कस्टमर हैं यहाँ पे उनको हैंडल करते हैं, और जब तक यहाँ पे 5000 डॉलर होते नहीं तब तक यहाँ पे अपने को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो अपनी डिलीवरी है वो भी यहाँ पे आ चुकी है, तो अभी यहाँ पे फटाफट चलते हैं, जल्दी से यहाँ पे जो गेट है उसको खोलता हूँ। और देखो अभी ना यहाँ पे अपना जो वेयर हाउस है मुझे इसको भी अपग्रेड करना है, क्योंकि इसमें ना अगर अपग्रेड करता हूँ मैं तो काफ़ी सारा सामान मैं इसमें और रख सकता हूँ, लेकिन सीन तो वही है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है भाई। यहाँ पे मेन दिक्कत पैसे की है, एक बार जितना भी सामान अपने पास हो जाए ना उसके बाद तो मैं दबा के पैसे इकट्ठा करूँगा यार, फिर तो पैसे कोई दिक्कत होने नहीं वाली। चलो भाई जल्दी से निकलें यहाँ से। और ठीक है, यहाँ पे जो कस्टमर है वो भी अपने अभी आ चुका है भाई, दो कस्टमर फ्यूल पे भी आ चुका है यार। यहाँ पे फ्यूल तो मेरे पास पड़ा नहीं, अब देखो मेरे को फ्यूल भी ऑर्डर करना पड़ेगा, तो उसमें भी अपना थोड़ा सा पैसा चल जाएगा भाई। ये क्या सीन है, यहाँ पे पैसे नहीं इकट्ठा हो रहा। चलो कोई नहीं, अभी यहाँ पे अब देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो 5000 डॉलर है ये मुझे अंकल को पे ना करना पड़े, बस ऐसे मुझे लग रहा है कि पे करना पड़ेगा, क्योंकि यार उसका हमने स्टार्टिंग में लोन लिया था, तो मुझे लग रहा है कि उसको हमें पे करना ही पड़ेगा। बट कोई नहीं, यहाँ पे जो पहले ये वाली अपनी गड्डी है पहले मैं इसको यहाँ पे करता हूँ रिपेयर। ओके, यहाँ से ये निकाला, यहाँ से ये निकाला। ठीक है, अभी जल्दी से यहाँ पे इसको उठाते हैं, और जो अपनी दूसरी बैटरी है मैं फटाफट यहाँ पे इसको लगाता हूँ, और अभी इसको करा यहाँ पे टाइट, इसको भी करा यहाँ पे टाइट। ओके, यहाँ पे ये हो चुका है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे 300 डॉलर अपने को मिल चुके हैं, और बस अपने को ना यहाँ पे 500 से भी कम डॉलर चाहिए आराम से। यहाँ पे जो अपने पास 5000 डॉलर इकट्ठे हो जाएंगे, काम करता हूँ पहले जितने भी कस्टमर्स हैं ना इनको यहाँ पे मैं सर्व करके उसके बाद ना थोड़ी सी चोरी कर लेता। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी चोरी करके अपने पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। लो भाई, यहाँ पे इसका तो हो गया, यहाँ पे थोड़े बहुत कस्टमर आ चुके हैं यार। कितना फील बड़ा है, 20 लीटर है, 20 लीटर में हो जाएगा इसका, हो जाना चाहिए। ओके चलो, यहाँ पे हो गया। ठीक है चलो, यहाँ पे एक कस्टमर को तो कम से कम मैंने फ्यूल दे दिया, और अभी अपने पास भाई थोड़ा सा पैसा और चाहिए, बस थोड़ा सा पैसा अपने पास और हो जाए ना, आराम से यहाँ पे अपना काम हो जाएगा। एक कस्टमर और आ जाए ना अपने गैराज में, तब तो यहाँ पे आराम से अपने पास 5000 डॉलर इकट्ठे हो जाएंगे। चलो भाई जल्दी निकलो यार, जल्दी निकलो, यहाँ पे टाइम नहीं अपने पास, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है। वैसे अभी ना प्रोडक्ट भी बहुत कम है यार, देख लो यहाँ पे काफ़ी कम प्रोडक्ट्स अपने पास। कई जो रैक है वो तो मैंने यहाँ पे निकाल ही दिया है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स मेरे पास थे नहीं, और मुझे काफ़ी बंदों ने कहा था कि जो प्रोडक्ट आपके पास होता नहीं है तो उसका जो रैक है वो हटा दिया करो। तो ठीक है, यहाँ पे जल्दी निकलो भाई, यहाँ पे पॉपुलैरिटी देते रहना। और यहाँ पे भाई अभी देखो 7 लेवल अपने हो चुके हैं पॉपुलैरिटी का, बट मुझे पता है कि 8 लेवल करने में हालत ख़राब हो जाएगी भाई। 7 करने में यहाँ पे इतना टाइम लग गया, तो 8 करने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन लाइव स्ट्रीम करेंगे तो दबा के वहाँ पे काफ़ी देर तक करेंगे, और जल्दी से जो अपने शिट भाई, खुशी में यहाँ पे मैंने इसको गलती फ्यूल दे दिया यार। यहाँ पे अभी मेरे को कितने 400 डॉलर और इकट्ठे करने हैं ना। चलो एक काम करते हैं, फटाफट ये जो कार है पहले यहाँ पे मैं इसको अनलॉक करता हूँ, इसको खोलते हैं, देखते हैं कि इसमें से हमें कितना पैसा मिलता है। तो ठीक है गाइस, देखो अभी एक काम करता हूँ, अभी ना फटाफट से जो पैसे हैं 5000 डॉलर मैं जल्दी से यहाँ पे इकट्ठे करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि अपना जो अगला टास्क है वो यहाँ पे क्या होने वाला है। तो गाइस देखो, अभी यहाँ पे ना मैंने पूरे के पूरे जो 5000 डॉलर है उनको यहाँ पे जैसे तैसे करके इकट्ठा कर लिया है। तो ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो अंकल है अपने उसको जाके कॉल करनी है, देखते हैं कि यहाँ पे आगे जाके क्या होता है। यहाँ पे एक अपने को टास्क और मिला है, टाइम लेफ्ट रिमेनिंग कार्स। एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अंकल को कॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना जो टास्क है वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, यहाँ पे अपना पूरा गैस स्टेशन का यहाँ पे नज़ारा दिख रहा है अपने को भाई साहब। और देखो अभी तो अपना जो घर है वेयर हाउस है, मुझे इसको भी पेंट करना है। अभी तो काफ़ी सारी जो चीज़ें अभी पेंट करनी बाकी है। ऊपर से भाई साहब आपने देखा UFO और जो एरोप्लेन था वो क्रैश हो गया आपस में। और ये क्या, ये किस लिए है भाई? अभी मैंने पेमेंट तो कर, अच्छा ठीक है पेमेंट करने वाले हैं भाई साहब। मुझे लगा ये मेरे को फिर से मारने आ गया। ले भाई अपना यहाँ पे, ओ नीचे से देखो एक स्नेक जा रहा है, रैटल स्नेक था भाई साहब वो। चलो भाई यहाँ पे ठीक है, अरे ले ना भाई जल्दी निकल यहाँ पे फटाफट से भाई। टेडी बियर लेके स्लैगर भी है हाथ में। ठीक है, दे रहा हूँ भाई। हाँ, ठीक है
Best of luck in. हाँ बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू सो मच. पैसे लेके चल जा भाई, स्लैगर तो नीचे रख दे कम से कम. Boss left you a little something should help you with the little twerk. Go check out. भाई साहब बंदा देख कितना खतरनाक है. ओके यहाँ पे इसने कुछ चेक करने के लिए मैं बोला है, उसको हमें जाके चेक करना पड़ेगा. ओ भाई सब ये क्या चीज है, एक मिनट यहाँ पे कुछ अजीब सी लग रही है मुझे. चलो ठीक है भाई, फटाफट करो यार ये. चलो ठीक है, यहाँ पे ये तो हो चुका है अपना काम कंप्लीट. यहाँ पे इसने कुछ देखने के लिए कहा था ना हमें शायद से, वो वाला चीज़ है. लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं. सारे पैसे गए भाई साहब, सारे पैसे गए. अपने पास सिर्फ $74 अभी बचे हैं भाई. इतने में तो कुछ होगा भी नहीं भाई, भाई इतने में तो सही में कुछ नहीं होने वाला. अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे जो अपनी ईमेल है पहले मैं उसको यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे मेल में क्या है अपने को. ओके नहीं मेल, ठीक है. डैट स्कूल गुड लक हो चुका है ये तो अपना. अभी मैंने रीड तो कर ली, बार बार क्यों आ रहा है ये. लो यहाँ पे पढ़ ली सारी 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 पढ़ लेता हूँ एक बार में भाई, एक भी नहीं छोड़नी. लो चलो ठीक है, यहाँ पे ये तो हो चुका है अपना. अभी यहाँ पे इसने कुछ देखने के लिए कहा था ना हमें शायद से, वो जो चीज़ है उसने हमें देखने के लिए कही थी. पता नहीं क्या चीज़ है वो. एक ये भी कुछ है यहाँ पे, ये क्या चीज़ है. अभी यहाँ पे ये चेयर कैसे निकली, एक मिनट यहाँ पे. अबे भाई साहब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको रखो. अब इसमें तो सामान निकल ही जा रहा भाई, यहाँ पे ये क्या सीन है, यहाँ पे है क्या चीज़. डिफेंस सायरन, डेनिस डिफेंस सायरन. अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. यहाँ पे इसमें से ना हम सामान निकाल के उसको मार सकते हैं भाई. वही मैं सोचूं कि यहाँ पे फ्री का सामान कैसे आ रहा है. अब देखो यहाँ पे ना आगे कुछ शायद से हमें देखना है, तो अभी चल के देखते हैं यहाँ पे. ये ना कुछ तो है शायद से. ठीक है यहाँ पे कुछ ये नया सा आया अपने पास में. चलो कोई नहीं, यहाँ पे इसको देख तो लिया. और आगे अभी यहाँ पे और कुछ नहीं है क्या, ये क्या पड़ी है. ठीक है बॉटल पड़ी है, बट कोई नहीं. ठीक है यहाँ पे और कुछ तो ऐसा मुझे कुछ अभी यहाँ पे कुछ तो है यहाँ पे अजीब सा. चलो छोड़ो अभी देखो, यहाँ पे कुछ और तो नया आया नहीं. तो एक काम करते हैं अभी फटाफट चलते हैं. ठीक है अभी देखो अपने पैसे भी सारे खत्म हो चुके हैं, तो मुझे ना अभी फटाफट से जो पैसे वो इकट्ठे करने पड़ेंगे, ताकि जो अपना जितनी भी चीज़ें मैं उनको यहाँ पे अपग्रेड कर पाऊँ. यहाँ पे अगर फ्यूल देखा तो अपने पास सिर्फ 22 यहाँ पे लीटर पड़ा है. और यहाँ पे मैं इसको चलो जितना पड़े इसको यहाँ पे सारा का सारा देता हूँ. ठीक है यहाँ पे $113 अपने पास हो चुका है, तो यहाँ पे ना $100 का एक काम करता हूँ. यहाँ पे जो फ्यूल है यहाँ पे मैं इसको ऑर्डर कर लेता हूँ. क्या क्या हुआ भाई, भाई यहाँ पे यार 175 चाहिए मेरे पास. कितना अभी भाई, मेरे पास तो बहुत ही कम है. चलो कोई नहीं, अभी एक काम करते हैं अभी ना चल के कोई गैराज. ठीक है एक बंदा गैराज में भी आ चुका, शुक्र है. चलो यहाँ पे इसको यहाँ पे इसकी कार को रिपेयर करके हमें कम से कम थोड़ा पैसा तो मिल जाएगा ना, तो उससे हम जो अपना फ्यूल है ना हम उसको बाय कर लेंगे. तो ठीक है देखते हम इसको क्या करना है इस कार में. बस टायर को रिपेयर करना था भाई, अपने पास टायर नहीं पड़े. तो गाइज देखो अभी ना मुझे लग रहा है कि मुझे काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, ताकि मैं जितना भी काम है वो सारा का सारा कर पाऊँ. क्योंकि भाई ऐसे धीरे धीरे करके तो कुछ चलने नहीं वाला. ठीक है तो इसलिए मुझे काफ़ी सारा जो पैसा है वो यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ेगा. तो ठीक है गाइज, आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं. अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं करा, फटाफट जाकर फॉलो कर लो. और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में. तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना, मुझे पता नहीं भूलोगे और भूलना भी नहीं चाहिए. I